जॉन जी हॉस्पिटल में हाँ हाँ जॉन ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप कैसे आप सबसे पहले माजरत जहाज की वजह से रवानगी की वजह से जहाज इस्लामाबाद में इस्लामाबाद के मौसम की वजह से वापस ग्रांडेड हो गया था, जिसकी वजह से जहाज ये कराची देर से पहुंचा और इस्लामाबाद की वजह से देर से डिपार्चर कर इन शाला जो उम्मीद है और 5 से 10 मिनट के बाद इनशाला हम अपने सफर का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद इनशाला हम 1 घंटा 30 मिनट में पहुंचेंगे 35 किलोमीटर की बुलंदी आवाज करते हुए रस्ते का मौसम करूँ सुन तो ले मैं शायद हम एक ही बात कर रहे हैं। एक चीज याद रखना कि जो कलमा गो होता है ना जो कहता है ना ला इलाहा वो कभी भी शक नहीं कर सकता क्योंकि वो तो निगेशन है ना ला इलाहा इल्लल्लाह की। तो ये जो अकीदा और प्यार होता है और बाबा फरीद जो इतने बड़े सूफी और मेरी इंस्पिरेशन है वो अकीदा प्यार और आजी होती है। उसको कभी कंफ्यूज ना करें कि अल्लाह के साथ कोई किसी को शरीक कर सकता है, ये कभी ना इसको समझे। आप अगर सूफीज्म पढ़ेंगे कि सूफीज्म आप जरूर मौलाना रूमी का पढ़ें और शम्स तबरेज का तो आप समझ जाएंगे कि इस किस्से से जो आपके मुर्शिद होते हैं जितना बाबा फरीद मैं समझता हूँ इसको शिर्क से इसको कभी ना इक्वेट करें। ये तो बहुत बड़े औलिया कराम थे जिन्होंने जिनकी वजह से इस्लाम का रहे सारे कार्य सारे नहीं प्लीज एक चीज मेरी बात सुनिए प्लीज। ये तो इलामा इकबाल एक मिनट नहीं मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे बहुत बड़ी स्टडी अपनी टीम थी आपको इलामा इकबाल को स्टडी करना चाहिए जो मौलाना रूमी को अपने मुर्शिद समझते थे। ये बहुत बड़े जायंट्स थे उनको कभी कंफ्यूज ना करें। शिर्क कलमा गो शिर्क कर ही नहीं सकता। प्यार करना किसी से आजी दिखाना एक इश्क किसी बुजुर्ग जिस तरह बाबा फरीद तो बहुत बड़ी हस्ती है इससे परे चाहिए उनसे तो मैं बहुत मुतासर हूँ। उसको कभी कंफ्यूज ना करें।